जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कुछ अल्टकॉइंस के बारे में जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर एज पर टेक्निकल बेस कुछ सेटअप बना रहे हैं। क्योंकि याद रखो जैसे कि मार्केट ने छोटा मोटा पंप हमको देखने को मिला है इथेरियम बिटकॉइन के अंदर और एक अल्टकॉइन का जो इंडेक्स था अदर इंडेक्स उसके अंदर भी हमको ये चीज देखने को मिल रही थी कि थोड़ा बहुत अल्टकॉइन के अंदर प्रॉफिट हम बना सकते हैं विद परफेक्ट टेक्निकल नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं गाइस और मेनली बिटकॉइन के बारे में भी बात करने वाले। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड तक आपको देखना रहेगा वीडियो को, क्योंकि मैं यहां पर बिटकॉइन का मेन आइडिया आपको देने वाला हूं। प्लस क्योंकि लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के बाद मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है तो वो आपको उसके बेस पर समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, यहां पर आप रिजल्ट देख सकते हो 3 दिन पहले का। ये रिजल्ट्स को अगर आप जाकर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम इस बियर मार्केट में भी कितना अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो तुरंत जाकर आप देख लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन का, और बिटकॉइन की बात इसलिए करेंगे बिकॉज लास्ट टाइम हमने जो पैटर्न क्रिएशन किया था राइजिंग वेज चैनल जो कि डाउन साइड में ब्रेकआउट भी किया था, लेकिन हुआ क्या बेसिकली मार्केट ने एक जोन को टेस्ट किया यानी इस जोन को सपोर्ट की तरह एक्ट किया और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आया था कि भाई ये राइजिंग वेज डाउन में ब्रेकआउट होने के बाद भी रिवर्सल क्यों होगी, क्योंकि देखिए एक स्ट्रक्चर में मल्टीपल पैटर्न्स छुपे होते हैं। आ रही बात समझ में? तो स्ट्रक्चर एक होता है, पैटर्न्स मल्टीपल होते हैं, इसकी वजह से मार्केट समटाइम्स दूसरे स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट किया, एक तरीके से अगर बात की तो ये वाले सपोर्ट को ज्यादा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हमको मार्केट में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। मैं फिर से आ जाऊंगा यहाँ पर डेली चार्ट पर, क्योंकि डेली के बेस पर हमको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मैं इस पैटर्न को हटा दूंगा बिकॉज ये पैटर्न प्रॉपरली वर्क नहीं किया। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में एक रेंज यहाँ पर बनी हुई है, आप कह सकते हो कि भाई ये एक सपोर्ट रेंज वाला जोन है और ये वाला एक रेजिस्टेंट जोन है, राइट। तो मार्केट एक तरीके से आप एक अभी के वक्त की अगर बात करो तो एक हॉरिजॉन्टल चैनल में स्टक है वीकली डेली बेस पर। तो दो सिनेरियो है, अगर मार्केट इस हॉरिजॉन्टल चैनल को ठीक है अपसाइड में ब्रेकआउट लेता है तो मार्केट अप जाएगा, राइट, और अगर इस पैटर्न को मार्केट डाउन में ब्रेकआउट लेता है तो फिर मार्केट यहां से डाउन जाएगा। तो अभी तो यहां पर ब्रेकआउट होना बाकी है। अगर हम डाउन वाला स्ट्रक्चर देखते हैं तो करंटली मार्केट रेजिस्टेंट पर है, यहां से मार्केट को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करना चाहिए तो हम कहेंगे कि हाँ मार्केट डाउन में जा सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को डाउन जाना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंट पर है, मेनली यहाँ पर डेली क्लोजिंग होनी बाकी है, अगर कोई भी रिजेक्शन साइन मिलती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा डर होता है मार्केट के अंदर डाउनफॉल में देखने का। बाकी अगर बात करें तो मूविंग एवरेज से दूरी है और कोई रिजेक्शन साइन मतलब सिर्फ एक ही है जो कि बनी नहीं है, बन रही है, जिसको एक तरीके से डोजी कैंडल कहते हैं, जैसे यहाँ पर बनी थी डोजी कैंडल, यहाँ पर भी डोजी बन रही है। ये बेसिकली डोजी कैंडल एक तरीके से अपना मोमेंटम चेंज करने का साइन देती है। तो अगर ये 9 घंटा बाकी, अगर ये 9 घंटे में ऐसे ही कैंडल क्लोजिंग होती है तो भाई डोजी कैंडल कंफर्म मानेंगे और मार्केट फिर यहाँ से डाउन में थोड़ा बहुत करेक्शन ले सकता है। लेकिन इन शॉर्ट आपको बोलना यही चाहूंगा, या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो बाय का ट्रेड सेटअप क्या सोचो, या तो मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे तो सेल का ट्रेड सेटअप का सोचो, क्योंकि मार्केट में अभी फिल वक्त में ये स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अगर बात करूँ इंडेक्स की तो सेम वही चीज हुई है आपके इंडेक्स के अंदर भी, यहाँ पर भी देखो पैटर्न ब्रेक डाउन किया लेकिन यहाँ पर सपोर्ट को होल्ड करके अपसाइड में गया, तो इसमें भी सेम अभी आपका हॉरिजॉन्टल चैनल क्रिएशन हो रहा है। डोमिनेंस की अगर मैं बात करूँ, इसको हटा देता हूँ, तो एक तरीके से अगर डोमिनेंस की यहाँ पर बात करें तो अभी के वक्त के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसको हम कहते हैं ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न, ठीक है। अभी ये इन क्रिएशन है, कन्फर्म नहीं हुआ है, कन्फर्म कब होगा जब ये ब्रेकआउट लेगा अप साइड में या डाउन साइड में। तो अभी ये इन क्रिएशन है और मे बी ये डाउन ट्रेंड को भी कंटिन्यू कर सकता है या फिर रिवर्सल साइन भी दे सकता है, तो दोनों सिनेरियो यहाँ पर अवेलेबल है। मार्केट क्या करता है वो हिसाब से हमको आइडिया लेना रहेगा। यहाँ पर भी सेम आपका BTC हटाकर जो अदर अल्टकॉइन इंडेक्स रहता है वो भी बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, प्लस आपका जो बिटकॉइन और इथेरियम हटाकर जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है यानी अदर अल्टकॉइन जिसको हम कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर एक तरीके से बुलिश स्ट्रक्चर में ही है, और मेरे ख्याल से हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है। तो दो सिनेरियो है, क्योंकि अगर हम बॉडी वाले स्ट्रक्चर को कनेक्ट करें तो हमको बेसिकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि मैं इस बॉडी को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर और इस वाले जोन को, तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है।
लेकिन अगर मैं शेडो को कनेक्ट करूं तो ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि देखिए पैटर्न दोनों चीजों को रिस्पेक्ट करता है, समटाइम वो शेडो को फॉलो करता है, समटाइम वो बॉडी को फॉलो करता है, तो हमको दोनों हिसाब से देखना होता है। लेकिन स्ट्रक्चर बुलिश दिख रहा है, अदर अल्टकॉइन के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ अल्टकॉइंस यानी बिटकॉइन इथेरियम को छोड़कर जो अदर अल्टकॉइंस है उसके लिए सेटअप क्रिएट किया हूं, जो कि मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। देखिए याद रखो, ये जो भी अल्टकॉइन मैं शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए, आप ये ना सोचे कि इसके अंदर आप एक ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जो कॉइन मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ वो है बेसिकली पोल्काडॉट। पोल्काडॉट को अगर आप डेली स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर फॉलिंग वैज पैटर्न क्रिएशन हो रहा है और मार्केट ने इसको सक्सेसफुल तरीके से ब्रेकआउट भी किया है। अब यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो, आप अगर शेडो को कनेक्ट करते हो तो ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये देखो आ रही है बात समझ में, और अगर आप बॉडी को कनेक्ट करते हो तो आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ बॉडी को तो ब्रेकआउट मिल रहा है। तो मेनली मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगा, जहां पर हम स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ट्रेड लेंगे वो रहेगा कि भाई अगर आप मान के चलो इसका वेट कर रहे हो तो एटलीस्ट नॉर्मली क्या होता है, मार्केट ब्रेकआउट लेता है, पुल बैक लेता है, तो जब मार्केट इस टाइप का मोमेंटम शो करे और जब मार्केट पुल बैक लेंगे ना तो वहां पे कोई ना कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक बननी चाहिए, तो ही आप ट्रेड इनिशिएट करो डेली टाइम फ्रेम में। तो याद रखो मार्केट ब्रेकआउट लेगा, पुल बैक लेगा, तभी आपको ट्रेड सेटअप का सोचना है, लेकिन वहां पर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। अगर रिवर्सल कैंडलस्टिक बनती है देन डेफिनेटली आप ट्रेड लो, नहीं बनती है फिर थोड़ा सा वेट करो कि मार्केट इस पूरे जोन के अबव क्लोज हो, एटलीस्ट 7.10-7.40 का जो जोन है ना इसके अबव अगर मार्केट क्लोजिंग करता है डेली कैंडल तो आप ट्रेड का सेटअप ले सकते हो। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो भाई टारगेट आपका यहां पर हो सकता है पहला वाला ये, ठीक है, जो कि 8.46 है, सेकंड है 10.53 और तीसरा है 11.77, राइट। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप स्टॉप लॉस दे सकते हो $5.91, क्योंकि हम पोल्काडॉट यूएसडीटी पेयर में देख रहे हैं। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूं तो ऑलमोस्ट अगर हम ऑल टारगेट की बात करें तो 67% का प्रॉफिट बन सकता है और स्टॉप लॉस 15% का है, तो नॉट बैड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट तीन टेक प्रॉफिट है, तीनों पे आपको इनिशियली सेल करना होगा। पहला तो ऑलमोस्ट आपका 20% है, दूसरा 50 और तीसरा 66 है, तो सेटअप तो बहुत एक्यूरेट है, पैटर्न भी बहुत एक्यूरेट है, बस मार्केट ब्रेकआउट ले, पुल बैक ले, कंफर्म कैंडलस्टिक दे तो आप इसके अंदर ट्रेड सेटअप ले सकते हो। नेक्स्ट मैं यहां पर जो कॉइन की बात करने वाला हूं वो है बेसिकली बैनकॉर यूएसडीटी। ओह माय गुडनेस, इसने तो मेरे ख्याल से आज के कैंडल में ही सारा खेल खत्म कर दिया, क्योंकि ये सेटअप मैंने सब दोपहर के वक्त में निकाल के रखा था और ये भी सेम फॉलिंग वेज पैटर्न है, इसके भी सेम दो टारगेट थे, ये देखो ये एक टारगेट था और ये एक टारगेट था, लेकिन मैं जब वीडियो बना रहा था मैं इस वाले पिन बार पे था, जो कि मैंने क्रिएशन का इसलिए सोचा क्योंकि यहां पर बेसिकली मार्केट का पुल बैक भी था और यहाँ पर क्रॉसओवर भी मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन खैर हमारे से ये ट्रेड मिस हो गया है क्योंकि मैंने इसका लिस्ट दोपहर में बनाया था और टारगेट इसका 14% का था, जो कि मेरे ख्याल से सक्सेसफुली हिट हो चुका है, तो खैर ये एक ट्रेड तो मिस हो चुका है। बाकी इसलिए बोलता हूँ नॉर्मली अगर आपको अल्टकॉइन की सिग्नल चाहिए ना जो कि आपको प्रॉपर प्रॉफिट दे सकती है तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, एटलीस्ट एक बार जाकर देखो टेलीग्राम में होता क्या है, वर्क कितना किया जाता है, किस तरह मेरी टीम लगी है आपके लिए बेस्ट अल्टकॉइन सिग्नल्स निकालने के लिए। तो खैर ये सिग्नल तो हमसे मिस हो चुका है, हम 14% का प्रॉफिट मिस कर दिए क्योंकि ये ट्रेड के ने पूरा ही टेक प्रॉफिट को हिट कर दिया। खैर जो नेक्स्ट कॉइन की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ वो है बेसिकली कार्डानो ADA USDT के पैर की बात कर रहा हूँ। इसमें सेम वही स्ट्रक्चर बन रहा है, मेन यहाँ पर देखना है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट ले और पुल बैक ले, याद रखो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट और पुल बैक अगर मार्केट में होता है, अभी ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है, आप 4 घंटे में ADA कॉइन को वॉच करो, मार्केट ब्रेकआउट लेगा, पुल बैक लेगा, पुल बैक होने के बाद कोई ना कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक बनती है तो आप उसके ऊपर ट्रेड करो। देखो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को टेक्निकल एनालिसिस की पूरी नॉलेज है, आप बोलेंगे सर ये रिवर्सल कैंडलस्टिक क्या होते, तो जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं उनको अच्छे से पता है कि भाई रिवर्सल कैंडलस्टिक कौन कौन से होते हैं, जिसको नहीं पता है तो उनके लिए बोलो कि प्लेलिस्ट के अंदर आपको कैंडलस्टिक का वीडियो मिलेगा, वहां पर जाकर आप देखो क्या होता है रिवर्सल कैंडलस्टिक, ठीक है। स्टॉप लॉस की अगर बात करो तो 0.43 पर आप आपका स्टॉप लॉस दे सकते हो। फर्स्ट टेक प्रॉफिट की बात करो तो भाई सबसे क्लासिकल एग्जांपल 0.48 और सबसे अच्छा सेकंड टारगेट 0.52, तो ADA के ऊपर ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप बोलेंगे सर आप डायरेक्टली बाइंग बता दो कि भाई इतने पे खरीदो इतने पे बेचो, तो उसके लिए आपके लिए सिर्फ टेलीग्राम
ही बेस्ट रहेगा। वीडियो में मैं डायरेक्ट बाइक नहीं देता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको टेक्निकल नॉलेज दूं, राइट। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं भाई इतने में बाय कर लो, फिर आप बोलेंगे स्टॉप लॉस का तो मेरे को पता ही नहीं था, तो फिर कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो आपको डायरेक्ट बता दूं कि भाई इतने पे खरीदो इतने पे बेचो, उसके लिए टेलीग्राम आपके लिए बेस्ट रहेगा। जाकर तुरंत टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो सेकंड मैं जो कार्डानो की बात कर रहा था, तो आपको मेन वेट करना है ब्रेकआउट का और पुलबैक का। और यहां पर अगर सेम रिवर्स से कैंडलस्टिक बनती है यू नीड टू टेक ट्रेड, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, वेट करना है क्लोजिंग का पूरा। तो 6% से लेकर 13% का प्रॉफिट है, और रिस्क की अगर मैं बात करूं तो 5% का बेसिकली रिस्क बन रहा है। तो देखिए अगर मार्केट यहां से अपसाइड में चला जाता है एग्जांपल के लिए, तो आप आपके स्टॉप लॉस को यहां पर भी रख सकते हो, तो आपका रिस्क और ज्यादा कम हो जाएगा जो कि सिर्फ 2% का रहेगा। तो 2% रिस्क के हिसाब से मेरे ख्याल से टेक प्रॉफिट कितना था, ये लगभग 14% का प्रॉफिट, बहुत अच्छा रेशियो है, आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन कंडीशन है मार्केट को वेट करो ब्रेकआउट का, वेट करो पुलबैक का, तभी एंट्री लो। अगर आप बोलेंगे सर हमको टेक्निकल आता ही नहीं है, तो भाई टेलीग्राम आपके लिए बना हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पर हम सब कुछ शेयर करते हैं। एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है जो कि CHR की कॉइन के ऊपर है, CHR डॉलर के ऊपर, CHR USDT के ऊपर। यह पैटर्न सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ है। मैं पर्सनली अगर बात करूं तो वेट कर रहा हूं पुलबैक का। तो मार्केट अगर पुलबैक करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो कि 18-17 जो भी रहेगा, क्योंकि पुलबैक ट्रेंड लाइन पे होना है, तो अगर मार्केट वहां पे पुलबैक करता है और कोई ना कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक देता है, तो फिर यहां पर हम बहुत अच्छा क्लासिकल ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। पहला टेक प्रॉफिट सेट करेंगे यहां पर, सेकंड सेट करेंगे अपसाइड के ऊपर। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं ना, तो ये वाला जो स्विंग लो है आपका 0.17, ठीक है, इस 0.17 के जोन पे आप आपका स्टॉप लॉस लेवल दो। बहुत परफेक्ट पैटर्न है, इसके अंदर एक्यूरेसी भी ज्यादा है। तो पहला टेक प्रॉफिट की अगर बात करो तो 9% है, दूसरा 27% है, और रिस्क मुश्किल से 6-7% बन रहा है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इस पैटर्न को आप लॉक करके रख लो अपने स्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज मुझे लगता है कि ये कॉइन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है इन मिड टर्म के अंदर, ठीक है। ये सभी के सभी सिग्नल थे, ये हमने मिस कर दिया, वरना ये भी हमको प्रॉफिट बुक हो जाता। तो भाई जितने भी सिग्नल्स मैंने अभी शेयर किया हो, सभी सभी वेटिंग वाले हैं, आपको उन सभी पे वेट करना है। मार्केट पुल बैक लेगा, रिटेस्ट लेगा, कैंडलस्टिक बनेगा, तभी ट्रेड इनिशिएट करना है, उसके अलावा ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है गाइस। और सेकंड चीज, आप अगर रिस्क ले सकते हो तो ही ट्रेड करो, वरना इस मार्केट से दूर रहो। तो गाइस उम्मीद करूंगा आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। कोशिश करूंगा अगले वीडियो में इसको कवर करने के लिए। और याद रखो, अगर आप बॉटम वाले अल्टकॉइन 10x प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो भाई हमारा लाइफ टाइम की मेंबरशिप हमने ओपन किया है कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो लाइफ टाइम मेंबरशिप की इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ में हमने कोर्स का बोनस भी रखा है, जो मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ। जो मेंबर लाइफ टाइम का मेंबरशिप ले रहा है, उनको बेसिकली हम कोर्स भी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, प्लस लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा, कॉल सपोर्ट मिलेगा, जहां पर आप जो भी क्वेरी रहेंगे आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद।